भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक गाना रिलीज हो रहा है। गाने का नाम है रूप धूप में, फिल्म घातक का ऑडियो रिलीज होगा, वीडियो रिलीज नहीं होगा। ये जैसे ही हमारी न्यूज़ ख़त्म होगी, हम आपसे कुछ पर्सनल लेवल तक की बातें भी करेंगे जो कि काफ़ी हर्ट करने वाली हैं, जो स्पेशल भोजपुरी की रेपुटेशन को काफ़ी ख़राब करने वाले भी हैं। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ हैं जो हमें लगता है कि वो अभी दूर हो जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर बैक टू द फिर पवन सिंह पर आते हैं। पवन सिंह की जो ये फिल्म है घातक, हो सकता है कि थिएटर खुलने पर पहली फिल्म इसी रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया है। फिल्म के गाने बहुत ही रोमांटिक हैं, और आपको बता दें कि काफ़ी कैची नंबर्स भी हैं इसमें, जो काफ़ी लोगों को पसंद आएंगे। और अब हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो ये है कि हम पे लगातार एलिगेंस लग रहे हैं कि हम पवन सिंह के चमचे हैं, हमारे चैनल को पवन सिंह चलाते हैं, हमें पवन सिंह ने खरीद लिया है, न जाने क्या क्या, हम पवन सिंह के पीआर हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल पे भले ही पवन सिंह की इन दिनों खबरें ज़रूर देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पवन सिंह कुछ कर रहे हैं, इसलिए आप पवन सिंह की खबरें देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव, फिलहाल उनका कोई गाना नहीं आ रहा है, न किसी फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, और ना ही उनसे रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है अभी जो हम आपको सुना सके, बता सके। आपको अगर ये लग रहा है जो खेसारी के फैंस हैं कि हम पवन की पैरवी करते हैं और खेसारी को नीचे दिखाते हैं, तो प्लीज़ वो वक्त भी याद कीजिए जब हमारा चैनल सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव जब बिग बॉस में थे तो उन्हें सपोर्ट कर रहा था और उनकी सारी खबरें चला रहा था। लगातार हम एक दिन में 3 से 4 वीडियो पोस्ट करते थे सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए। ऐसा नहीं है कि खेसारी, पवन और अक्षरा, इन सब में हमारा चैनल बटा हुआ है, बिल्कुल नहीं बटा हुआ। जो जिस तरह की खबरें आती हैं हम उस तरह की खबरें चलाते हैं। पवन जैसा सुपरस्टार शायद ही स्पेशल भोजपुरी को जानता होगा, लेकिन स्पेशल भोजपुरी के माध्यम से पवन सिंह को भी जानने वाले कम नहीं हैं। पवन सिंह एक बड़ा नाम है। बात पवन की पैरवी करने की, और हम पे जो ये लगातार तोहमतें लग रही हैं कि नहीं हम सबसे ज़्यादा पवन सिंह की पैरवी कर रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आके खेसारी के फैंस जो हैं वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो खेसारी की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जैसे उनके प्रति भी खबरें आती हैं तो हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों का ये कहना है कि हमने खेसारी लाल यादव के बोलबम का कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो प्लीज़ आप हमारे पहले सारे वीडियो चेक कीजिए। रही बात पवन पर वीडियो बनाने की, तो लगातार पवन कुछ कर रहे हैं, खेसारी का फिलहाल अभी कुछ अभी वो कर नहीं रहे हैं, ना कोई गाना आ रहा है, ना कोई सी फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, और ना ही खेसारी से जुड़ी कोई भी ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसे हम आपसे शेयर करें। जैसे ही आएगी हम जरूर शेयर करेंगे। लगता है खेसारी के फैंस से भूल गए कि हमने जल्द ही खेसारी से रिलेटेड एक न्यूज़ पोस्ट की थी। हम पवन से रिलेटेड न्यूज़ इसलिए पोस्ट कर रहे हैं कि पवन लगातार अपने फैंस के लिए कुछ कर रहे हैं, और ये पूरा सावन का महीना पवन ने सिर्फ 4 गाने दिए, लेकिन वो बैक टू बैक हिट रहे हैं, ये सभी जानते हैं, पर्सनली सभी जानते हैं, चाहे वो खेसारी के फैंस हों चाहे वो किसी के फैंस हों। इस तरह की तोहमतें लगाकर आप ये मत कहिए कि स्पेशल भोजपुरी सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह को प्रमोट करता है। जी नहीं, जब पवन और अक्षरा का मैटर हुआ था तो हमने अक्षरा को भी उतने ही फुटेज दी थी जितना हमने पवन सिंह, जो सही है हम वही दिखाते हैं। ये नहीं है कि हम पवन सिंह की पैरवी करते हैं, या प्रदीप पांडे चिंटू को गिराते हों, या फिर खेसारी लाल यादव को गिराते हों, या फिर रितेश पांडे को गिराते हों, ये बात बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अभी जितने एक्टिव भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह हैं, ये सत्य है, और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं, जितने एक्टिव वो दिख रहे हैं फिलहाल अभी कोई एक्टर उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है, और दिख भी रहा है तो वो इतना प्रोमिनेंट काम नहीं कर रहा है कि लोगों के नज़र में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ इसीलिए है कि लोग ये जान लें कि स्पेशल भोजपुरी चैनल न पवन सिंह का पीआर है और ना ही खेसारी लाल यादव का। जो जहाँ जैसा सही है हम न्यूज़ वैसी ही देते हैं, क्योंकि हमारा काम ही वही है। ये पूरे सावन सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी का गाना चला है तो वो पवन सिंह का चला है, और सबसे ज़्यादा किसी ने गाने निकाले हैं तो वो खेसारी लाल यादव ने निकाले हैं। इसमें गलत क्या था? अगर जिन्हें अभी भी लगता है कि हम पवन की पैरवी करते हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।
और जिन्हें ये लगता है कि हम फेयर वर्क कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए थैंक्स कि लोग भी ये समझ रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।